खारगोन में बड़वा नगर से 20 किलोमीटर दूर ग्राम काटकूट में शासकीय भूमि पर बने भवन पर अतिक्रमण कर लिया गया था, जिसे प्रशासन का बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया है। अफसरों का कहना है कि जर्जर शासकीय भवन पर गांव के ही व्यक्ति ने कब्जा कर कियोस्क सेंटर संचालित कर रहा था। वहीं किसी दिन कोई जनहानि ना हो, इसके लिए जर्जर भवन को जमींदोज कर दिया गया है। कियोस्क संचालक का कहना है कि मेरे पास इसका स्टे भी है, इसके बावजूद प्रशासन ने अच्छे भवन को तोड़ा है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मैं उच्च न्यायालय की शरण में जाऊंगा। शुक्रवार को एसडीएम अनुकूल जैन के निर्देश पर नायब तहसीलदार विजय पाल चौहान, सीईओ रोहित पचौरी, पटवारी एवं पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे थे। सबसे पहले तो अफसरों को कियोस्क संचालक ने दस्तावेज बताकर कार्रवाई रोकने की कोशिश की, लेकिन अफसरों ने आधे घंटे का अल्टीमेटम देकर सेंटर को खाली कराने के निर्देश दिए थे। वहीं काफी देर तक वाद विवाद करने के बाद भवन को खाली करा दिया गया था, जिसके बाद जेसीबी का पंजा जैसे ही जर्जर भवन पर लगा तो कुछ समय में ही पूरा भवन जमींदोज हो गया। उल्लेखनीय है कि पिछले कई सालों से शासकीय भवन को खाली कराने के लिए प्रशासन नोटिस दे रहा था, जिसके बाद भी कियोस्क संचालक के द्वारा जर्जर भवन को खाली नहीं किया जा रहा था। शुक्रवार को प्रशासन के अमले ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण को जमींदोज कर शासकीय जमीन को मुक्त करवाया है। राहुल भी रामन्यास हो झगड़ी करते हो। मुझे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 23/5/2022 को स्टे प्राप्त हुआ था, जिसकी सूचना मेरे द्वारा एसडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय, जनपद कार्यालय एवं कलेक्टर महोदय द्वारा इनको सूचना दी गई थी, लेकिन जनपद पंचायत द्वारा और तहसीलदार द्वारा पुलिस बल लेके मौके पर आकर मेरी दुकान को तोड़ दिया गया है और हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना की गई है और बोलते हैं कि बोले हाईकोर्ट तो बोले कोई दिक्कत नहीं है, बोले हम अवमानना का केस और लड़ लेंगे। एक शासकीय भवन पर जो कब्जा किया गया था, जिसके संबंध में काफ़ी टाइम से ये प्रकरण चल रहा था, जिस आज अतिक्रमण को तोड़ दिया गया। उसको भूमि शासकीय भूमि है, व्यक्तिगत कैसे हो सकती है शासकीय भूमि? वो उनका मानना था कि वो सरकारी दुकान है, जबकि वो शासकीय भवन था, जो उनकी गलतफहमी थी और उनको बता दिया गया है, और वो जर्जर अवस्था में था, ज़बरदस्ती से वो उसमें बैठे हुए थे। वो जो परमिशन दिखा रहे थे वो कूटरचित दस्तावेज है, जो कि प्रूफ हो चुका है। शासकीय भवन को किराए पे देने की अनुमति किसी को भी नहीं है। जो हमने उनकी पेशी भी लगाई थी उसमें उनको बता दिया गया था, अगर ऐसा होता भी तो उसका किराया निर्धारण किया जाता है, जो वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया जाता है, इस तरह से नहीं किया जाता जिस तरह से वो करे हुए थे। तो सब कूटरचित दस्तावेज बनाए हुए थे। मुझे अभी 4 महीने आए हुए हैं, मैंने इस प्रकरण को संज्ञान में लिया, तो ये प्रकरण काफ़ी 5-6 साल से चल रहा था।